चारा घोटाले में 18 आरोपियों पर फैसला आएगा। चारा घोटाले में चाईबासा कोस्टगार्ड से 37 करोड़ की अवैध निकासी से जुड़े मामले में 18 आरोपियों पर आज फैसला आएगा। झारखंड के जमशेदपुर में पटना के IFL गोल्ड बैंक इंस्पेक्टर की संदिग्ध हालात में मौत हो गई। मध्य प्रदेश के श्योपुर में छेड़छाड़ से तंग आकर एक छात्रा ने खुदकुशी की कोशिश की। दिल्ली में एक सिरफिरे युवक ने लड़की के पिता का अपहरण करने की कोशिश की, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में सिलेंडर में आग लगने पर एक दुकान जलकर राख हो गई। छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में वन विभाग हाथियों से फसल बचाने के लिए किसानों को ट्रेनिंग दे रहा है। हिमाचल प्रदेश के बसंतपुर में सेना के ट्रक में अचानक आग लगने पर हड़कंप मच गया। बिहार के मोतिहारी में नेपाल के रास्ते लाई गई दो ट्रक विदेशी मटर को ACB ने जब्त किया। उत्तराखंड की लालकुआ में भूसे से भरे एक ट्रक में भीषण आग लग गई। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में BJP दफ्तर पर तोड़फोड़ के आरोप में TMC के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई गई। ओडिशा में नवीन पटनायक आज 5वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। बाबा विश्वनाथ और मां जगदीशिला डोली यात्रा उत्तराखंड के बागेश्वर में बाबा वागनाथ के धाम पहुंची।